बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की है। कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें सोशल मीडिया साइट पे बधाई दी है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। गरीबों की ओर से, वंचितों की ओर से, लाचारों की ओर से, सबकी ओर से कर्पूरी जी का पूरा जीवन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, लाचारों के लिए, सब इन लोगों के लिए, सबके लिए उनका जीवन लगातार संघर्ष करते हुए बिता। जब भी उनको अवसर मिला तो उन्होंने न्याय के साथ उन गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किए। जब बिहार में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने आरक्षण लागू किए। सबसे पहले तो